नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जो स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे वो ओनली निफ्टी के बारे में करेंगे। निफ्टी एक्चुअल में होता क्या, वर्क कैसे करता है, वो एस्टिब्लिश कब हुआ था, उसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट फ्रेंड, आप मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आई वुड लाइक टू थैंक माय ऑल सब्सक्राइबर्स हुज लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी एक्चुअल में होता क्या है। आप जो भी पर्सन शेयर मार्केट में काम करता है उसने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा कि जब भी हम डीलिंग करते हैं तो आपने एक इंडेक्स में शो होता है निफ्टी के आगे सिंबल लिखा था 50। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 फ्री फ्लोट मार्केट एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन कंपनी शो करती है, मतलब कि जिन कंपनी का ओवरऑल मार्केट में वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिनकी मार्केट में होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें NSE में 5000 कंपनी लिस्टेड है, बट वो निफ्टी इसलिए बनाया गया है कि उस 15 कंपनियों का वेटेज हम देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है और मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी थे इंडेक्स में जिसको वेटेज दिया जाता है, जिसको सपोज हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में जगह किस तरह से मिलती है। तो निफ्टी 50 जो है वो एक 15 कंपनियों का इंडेक्स है, और 15 कंपनियों का इंडेक्स में कंपनीज का 6 मंथ का लिक्विडिटी देखी जाती है, कंपनी के 6 मंथ की फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप ये बार बार में मैं आपको बात बोल रहा हूँ, फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी हम समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के सामने। जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी के ने मार्केट में 50,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं और पर शेयर की रेट है 100 रुपये। तो हम जो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। सपोज कंपनी ने मार्केट में 50,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, उसमें से 25,000 शेयर प्रमोटर्स के पास में है, तो 25,000 × 100 मतलब 25 लाख रुपए के शेयर्स प्रमोटर्स के पास में, बाकी 25,000 के शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं। तो कंपनी की जो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो होगी 25 लाख। इसके अलावा कुछ और कंपनीज ने अपनी गाइडलाइंस दी हुई है NSE ने कि NSE में टॉप 50 निफ्टी 50 में कंपनी लिस्टेड होने के लिए कौन कौन सी जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है वो फुलफिल करनी होती है। फर्स्टली ये कि कंपनी डोमिसाइल होनी चाहिए इंडिया की। सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और तीसरा जो पॉइंट है वो NSE मैंडेट होनी चाहिए, मतलब NSE में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए ओवरऑल 5000 कंपनीज में, तभी वो कंपनी निफ्टी 50 में चूज़ की जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निफ्टी 50 की जो कंपनीज होती है वो टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की। जिन टॉप 50 कंपनी को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, कि मार्केट किस मूवमेंट में जा रहा है, मार्केट मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि टॉप 15 कंपनियों का मार्केट, टॉप 15 कंपनियां जो टॉप 10 टॉप 15 कंपनियों का जो वेटेज है उस वेटेज को आप देख के जो बाकी जो बची हुई है 4,950 कंपनीज उनका आप मूवमेंट सोच सकते हैं कि कंपनी किस मूवमेंट में जाएगी। इसलिए निफ्टी NSE ने ये एक निफ्टी 50 कंपनी बनाई है जिनको हम फॉलो करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी का मूवमेंट क्या है, मार्केट किस मूवमेंट में जा रहा है। बट एक बात मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आप निफ्टी 50 को अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो पे निफ्टी 50 का कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगा कि निफ्टी 50
का जो इंडेक्स होता है उससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें निफ्टी में किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में जो कंपनी होती है उनको वेटेज किस तरीके से दिया जाता है। तो जैसे सपोज हम एक कंपनी चूज करते हैं, एक कंपनी के मार्केट में 1 लाख शेयर्स हैं, पर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी की जो टोटल वर्थ हो गई वो 1 करोड़ रुपए की हो गई। तो उसमें कंपनी ने जो मार्केट में शेयर इशू कर रखे हैं वो 50,000 के कर रखे हैं, 50,000 के, तो 50,000 × 100 टोटल हो गया 50 लाख रुपीज़। तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग 15 लाख है। और हम एक दूसरी कंपनी कंपनी बी पे के बारे में समझेंगे कि उस कंपनी के मार्केट में जो टोटल ओवरऑल उसने शेयर्स जो है उसके 80,000 है, 80,000 पर शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। तो टोटल जो उसकी वर्थ हो गई वो 18 लाख रुपीज़ हो गई। 18 लाख में से कंपनी ने जो मार्केट में शेयर इशू कर रखे हैं वो 60,000, 60,000, तो 60,000 × 100 टोटल वैल्यू जो हुई वो 60 लाख हुई। तो अब हम मैंने आपको दो एग्जांपल बताया जिसमें एक कंपनी है 1 करोड़ की और दूसरी कंपनी है 80 लाख रुपए की, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए की कंपनी है उसका फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15 लाख रुपीज़, जो निफ्टी के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपीज़ शो होता है। और एक जो बी कंपनी है जिसकी नेट वर्थ है 18 लाख रुपीज़, बट उसका जो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 16 लाख। तो एंड निफ्टी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो बी कंपनी है जिसकी वर्थ जिसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू वो कम है 18 लाख रुपीज़ है, लेकिन निफ्टी 50 के इंडेक्स में 18 लाख रुपये की कंपनी से उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि उस कंपनी का फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी से ज़्यादा है। तो आप कभी भी निफ्टी 50 को उनकी जो 15 कंपनीज है उनको आप देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी, क्योंकि एक कंपनी है जिसका जो टोटल वर्थ है जो हजार जो 1 करोड़ रुपए की कंपनी है उस कंपनी का वेटेज 80 लाख रुपए की कंपनी के वेटेज 80 लाख रुपए की जो कंपनी है उससे कम आ रहा है। एक्चुअल में कंपनी है 1 करोड़ की और दूसरी बी कंपनी है 80 लाख रुपए की, बट उसका जो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 करोड़ वाली कंपनी का 50 लाख है, और 80 लाख रुपए की जो कंपनी है उसका फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 लाख रुपए है। तो जो निफ्टी के इंडेक्स में है जो 80 लाख रुपए वाली कंपनी है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा और जो 1 करोड़ रुपए वाली कंपनी है उसको कम वेटेज दिया जाएगा। तो कभी भी आप निफ्टी 50 को देख के आपका जो पोर्टफोलियो इंडेक्स है जिस भी शेयर्स में आपने पैसे लगा रखे हैं कभी आप थोड़ा मिसगाइड नहीं होए कि हमने जो कंपनीज में पैसा लगा रखा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, निफ्टी की चाल चलती है वो ओवरऑल। आप अब 15 कंपनियों को चूज करके 15 कंपनियों के इंडेक्स को देख के आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 15 कंपनीज के अलावा भी इंडिया में जो 4,950 कंपनीज बचती है वो भी टॉप लेवल पे काम करती है, उनका भी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है तो उससे आपके इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके इंडेक्स पे आपका जो पोर्टफोलियो है उस पर कभी भी इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडेक्स होता है वो शो करता है कि मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट अप है या डाउन है। जो निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो इंडिया की टॉप 15 कंपनीज होती है जिनका फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो इसका इंडेक्स होता है जिन कंपनियों को इस निफ्टी 50 में वेटेज दिया जाता है ये हर 6 मंथ में चेंज हो जाती है। जिनका फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है उस कंपनी को निफ्टी 50 के इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। तो ये मूवमेंट हर महीने आता है, कोई कंपनी यहाँ से निकल जाती है कोई कंपनी वापस आ जाती है। जो आप हर महीने का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स देखेंगे उसमें आपको नई कंपनियां शो हो जाएगी, जैसे कुछ कंपनीज वहाँ से हट जाती है कुछ कंपनी नहीं आ जाती है। तो इसीलिए जो ये इंडेक्स होता है ये हमें ये शो करता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट की चाल कैसी है, और इंडिया की जो टॉप 15 कंपनीज है उनका वेटेज देख के हम ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इंडिया का मार्केट जो शेयर मार्केट है वो किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज होती है जो लिस्टेड होती है और उन कंपनियों को चूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो ये जो निफ्टी में जिस तरीके से कंपनियों को चूज़ किया जाता है टॉप 15 कंपनी उसको उसी तरीके से सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स में भी टॉप
बीएससी के थ्रू सेंसेक्स चलता है, उसमें भी इंडिया की टॉप 13 कंपनियों को चूज़ किया जाता है, और उनका जो वेटेज होता है वो भी इसी तरीके से होता है। कभी भी आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, न कभी आप सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, निफ्टी में जो टॉप 15 कंपनीज है आप उनको सर्च कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि टॉप 15 कंपनीज कौन सी है, और उन कंपनियों में आपका इक्विटी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेंसेक्स में भी आप यही चूज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सेंसेक्स में जो टॉप 13 कंपनीज है कौन कौन सी कंपनीज है, वो मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करती है कि मार्केट अप है या डाउन है। तो आप उन कंपनियों को देख के भी ये चूज कर सकते हो कि कौन सा शेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको निफ्टी 50 में कोई कंपनी अगर लिस्टेड होने वाली है, उससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करना रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जाने के बाद कंपनी का जो शेयर का भाव है वो काफ़ी उछाल आता है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में देखना होगा कि आपको लगता है कि ये कंपनी निफ्टी 50 में इंडेक्स में अपना वेटेज है, अपना स्पेस बनाएगी। तो आप जब कंपनी निफ्टी 50 में जाने के बाद उसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसलिए आपको अगर पैसा कमाना है तो फर्स्टली आपको आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कंपनी का मूवमेंट कैसा है। इस कंपनी के जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट के 10 टिप्स, किस तरीके से आप कंपनी चूज कर सकते हैं, किस तरीके से कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो एक्चुअल में जो अपने फिगर्स शो करती है, उससे हमें एनालाइज हो जाता है कि ये कंपनी मार्केट में इसकी जो वर्थ है और एक्चुअल में इसके जो फिगर्स हैं मार्केट में, ये हम जो फ्यूचर में इसमें शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर में हमारा शेयर प्राइस हाई जाएगा। तो आप ये एनालिसिस करें कि कौन सी कंपनी आने वाले नेक्स्ट मंथ में निफ्टी 50 में अपना वेटेज बनाएगी या इंडेक्स में शो होगी, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें, लेकिन निफ्टी 50 में शो होने से पहले। तो आपका पैसा है वो ग्रो होगा, और सेंसेक्स भी इस तरीके से काम करता है। अब हमारा टॉपिक बचता है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में ये होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बैंक्स हैं इंडिया के टॉप 10 बैंक्स हैं वो शो होते हैं, और उनका जो वेटेज होता है वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो उन टॉप 10 बैंक्स को देख के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि जो टॉप 10 शेयर्स अभी रिसेंटली चल रहे हैं वो SBI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC है, ICICI है और बंधन बैंक। तो ये जो 5 बैंक है, इसके अलावा जो 5 बैंक है, उन 5 बैंकों का वेटेज आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया का इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, और ओवरऑल उन 5 बैंकों का वेटेज चेक करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक का मूवमेंट कैसा है। और निफ्टी बैंक में जो डीलिंग्स होती है वो होती है फ्यूचर ऑप्शन में। तो ये फ्यूचर ऑप्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फ्यूचर ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके से इसमें डीलिंग की जाती है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी 50 में कभी भी आप डीलिंग नहीं कर सकते हैं, खाली इसमें शेयर्स कौन से शेयर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में शो हो रही है, उनको देख के उनको एनालिसिस करके आप उस कंपनी के शेयर चूज कर सकते हैं। ऐसा ही सेंसेक्स में होता है, सेंसेक्स में भी आप कंपनी से टॉप इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है उनको देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है वो टॉप 13 में चल रही है, तो उन कंपनियों का शेयर चूज करके आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो कंपनी शो होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करके आपको बेनिफिट होगा। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कंपनी का जो इंडेक्स होता है उसमें कंपनियाँ आए उससे पहले आपको जो मैंने आपको 10 इन्वेस्टमेंट टिप्स दिए हैं उनको फॉलो करके आप कंपनी को एनालिसिस करिए कि कौन सी कंपनी है जो निफ्टी 50 में नेक्स्ट मंथ अपना इंडेक्स में शो होगी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ टिप्स होते हैं, कुछ इसमें बाय सेल के ऑप्शंस होते हैं जिनके जरिए आप इसमें डीलिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो डीलिंग होती है वो फ्यूचर और ऑप्शन के थ्रू होती है। फ्यूचर में आप बाय और सेल कर सकते हैं, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में डेरिवेटिव के बिहाफ पे ट्रेडिंग होती है। तो डेरिवेटिव में पुट और कॉल का ऑप्शन होता है, पुट और कॉल के ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं।
और आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाती है, जिससे आप ऑप्शन में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं पुट और कॉल के थ्रू, और आप अपना इंडेक्स कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कि मेरा जो भी है कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आज के वीडियो में दोस्तों फ्रेंड्स इतना ही। आज मैंने आपको बताया व्हाट इज़ निफ्टी, व्हाट इज़ बैंक निफ्टी और व्हाट इज़ सेंसेक्स। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों इंडेक्स को देख के आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट है किस तरह मूवमेंट हो रहा है, और आपका जो पैसा आपने शेयर मार्केट में लगा रखा है वो सुरक्षित है या नहीं। तो इसीलिए आप जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं वो तो काफ़ी जानते हैं चीज़ों के बारे में, बट जो नए लिसनर्स हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि एक्चुअली में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। तो आज मैंने डिस्क्राइब किया है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि पेनी स्टॉक कौन से होते हैं। तो पेनी स्टॉक काफ़ी कम प्राइस के पेनी स्टॉक होते हैं और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा, बट आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया है। तो इन तीनों इंडेक्स को आप एनालाइज करके डेली जो कंपनी का मूवमेंट है, डेली जो ओवरऑल इंडिया की जो इंडिया का जो शेयर मार्केट का मूवमेंट है उसको एनालाइज कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।